नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारे साथ मौजूद है महेंद्र यादव जी और राजू गो। यहाँ पे कृष्ण चेतना समिति का बैठक चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सर बताइए कि आज का जो बैठक हुआ उसका उद्देश्य क्या था? आज का बैठक था कृष्ण चेतना समिति का, इसमें उद्देश्य था, एजेंडा था कि कृष्ण जन्माष्टमी समारोह किस तरीके से किया जाए, उस पर विचार था, और समाज के उत्थान कैसे हो। जैसे आपने हाल ही में सुना है कि लोदीपुर में 5-6-7 को मर्डर हो गया, तो ज्ञान के अभाव में हुआ। हम अपने समाज को मीटिंग करके संदेश दिए कि सब लोग अपने बाल बच्चा को, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा में बढ़ावा दीजिए, और कोई समस्या हो तो मिल बैठ करके समाज के बीच में उसको हल कराइए, ताकि उस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। यह समाज के हम लोग को संदेश देना था। और आज उसके बाद कोरोना पर भी, कोरोना से सजग रहिए, सब लोग वैक्सीन लीजिए, उसका बचाव के लिए सजग रहने का अपील किया हूँ। और पिछले बार देखे थे हम लोग कि कोरोना रोग जब हुआ तो एम्बुलेंस के बिना बहुत लोग मर गए हैं। तो इस्लामपुर कृष्ण चेतना समिति और खास के इसमें सूरज देवी जो जिला परिषद सदस्य हैं, इन्होंने अपना वेतन का पैसा दिया, जिसे मार्किंग मनी करके और हम लोग एम्बुलेंस खरीद लिए हैं। और एम्बुलेंस समाज में जो नौकरी करते हैं उनके बहुत छोटा सा चंदा रख के, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो करने में, जो नौकरी कर रहे हैं उसमें छोटे तबके के नौकरी करते हैं उनका 2,500, और जो ऑफिसर टाइप के हैं उनसे 5,000 रुपया मैं दो तरह का शुल्क रखा हूं, जो स्वेच्छा से उनको लेंगे। आज इसी कड़ी में हमारे नेता, माननीय नेता राजू यादव जी आए हुए थे, इन्होंने कहा जो कहिए भैया देंगे, तो हमने 51,000 रुपया के इनसे मांग किए हैं, जिसको इन्होंने स्वीकृति दिया है। इस तरह से 6,00,000 रुपया उस पर लोन है बैंक का, जिसको हम लोग मिल बैठ करके दे देंगे। और वो जो एम्बुलेंस है समाज के लिए समर्पित रहेगा, किसी भी गरीब दुखिया के लोग, चाहे जिस जाति के लोग हो, समाज के मतलब यादव नहीं होता, समाज के मतलब हम लोग मानव समाज समझते हैं, और खास के गरीब तबके के लोग जिनको पटना ले जाने में कोई गाड़ी नहीं मिलता है, बड़ा कड़ा दाम लेता है, तो सोचता कि छोड़ ही है, देखा ले ही लोग पैसे के, अब हमें पटना ले जाते हैं, उसको ये काम देगा और हम लोग उसको काम देंगे। और जो एकदम निर्धन भी रहेंगे उसको भी हम लोग तय करेंगे मापदंड की, कैसे डीजल पर, मेंटेनेंस पर चले, जो एकदम देने लायक नहीं रहेंगे समिति उसके तरफ से खर्च देकर के निःशुल्क डॉक्टर तक पहुंचाएगा, सरकारी डॉक्टर में यहाँ दिखवाएंगे, और हरेक अस्पताल में सरकारी डॉक्टर में हम लोग भी लाइनिंग है, पदाधिकारियों से डॉक्टर से संपर्क रहता है, उसका इलाज कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए एम्बुलेंस खरीदा गया समाज सेवा के लिए, इसमें बहुत बड़ा सहयोग इनका रहा है हमारे। सर, कृष्ण चेतना समिति को कुछ लोग दो फाड़ करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अब दूसरे लोग क्या करते हैं उससे हमको लेना देना नहीं है, हम सही काम करते हैं इससे हमको लेना देना है, इसलिए दूसरे के बारे में कुछ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ राजू गोप जी हैं। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक में आप आए हैं, तो क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम सूरज देवी जी को, महेंद्र यादव जी को, सूरज देवी जो जिला परिषद के सदस्य हैं, महेंद्र यादव जी जो सामाजिक नेता हैं, हम इनको विशेष रूप से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि समाज हित में जो है इन्होंने एम्बुलेंस ला के जो है समाज के बीच में खड़ा कर दिया, कि जो भी गरीब समाज के लोग होंगे उनको असुविधा नहीं हो, पैसे के अभाव में जो है पटना जाने से वंचित नहीं रह जाए, ये सोच के तहत इन्होंने जो एम्बुलेंस दिया है इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और समाज के प्रति समर्पण है, समाज के प्रति काम करने की जो भावना है, हम उसको आदर करते हैं, और ये शुरू से करते आए हैं। आज समाज के लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और जुटे हैं कि कृष्ण चेतना समिति के जो आप अध्यक्ष हैं, और पूजा जो होता है जन्माष्टमी का हर एक साल, उसकी पूजा आप ही की अध्यक्षता में हो, ये समाज के लोगों ने इनको यहाँ आके संदेश देने का काम, अच्छी बात है, करें। रहा सवाल अलग अलग होने का, तो अलग अलग हर कोई पूजा करते हैं, पूजा करने में किन्हीं को मनाही नहीं है, जिनको करना है समाज की सेवा करें, इसको कहाँ रोका, उसमें अलग कहाँ है, उन लोग भी समाज की सेवा करेंगे, लोग भी समाज की सेवा करेंगे, उनको भी धन्यवाद देते हैं, इनको भी धन्यवाद देते हैं, और प्रयास करेंगे कि दोनों आदमी एक जगह रह के समाज की सेवा करें। सर, लोदीपुर घटना के ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, लोदीपुर जो घटना है, हम तो 6 तारीख को गए थे, लोगों से मिले हैं, बात किए, पूर्ण रूप से अशिक्षित रहने का परिणाम है,
अगर लोग शिक्षित रहेंगे, बढ़िया सोच रहेगा, तो इस तरह का घटना नहीं कर सकते। कोनो दूसरे लोग नहीं किए, एक ही परिवार के लोग जो है इस तरह का वैमनस्यता आ गया और इस तरह के जो है दुष्परिणाम निकला। अगर शिक्षित होंगे, शिक्षित रहेंगे, तो ये काम इस तरह की घटना नहीं होगा। इसलिए हम तो अपील करेंगे हर समाज से, हर जाति के लोग से, पूरे जिले के लोग से, पूरे बिहार के लोगों से कि भाई अपने बाल बच्चे को जो है एक टाइम भूखा रह के भी शिक्षा दीजिए और शिक्षित कराइए, ताकि आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और शांतिपूर्वक सुखी पूर्वक लोग जीवन व्यतीत कर सके। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को यही कहेंगे कि शिक्षित बनिए, शांति प्रिय बनिए और समाज के आगे बढ़ के जो है नीचे के लोगों को नहीं भूलिए, आप भी आगे बढ़िए और जो पीछे छूट गए हैं जो साथी, उनको भी आगे साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र यादव जी और राजू गोप जी, जो कि हमारी हर एक सवाल को प्रमुखता से जवाब दिए। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। विषय वस्तु से हटकर नहीं, अब आप लोगों के सामने जाने पहचाने अरविंद बाबू अधिवक्ता जी आ गए और अपनी बातों को रखेंगे।